अल्हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में आलमी अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की आग को बुझा कर ही पाकिस्तान आलमी दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकता है। उनका कहना था कि कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ी गई जंग का जहर आज हमारे जिस्मों में दाखिल हो रहा है। एक ऐसी आग है जिसको बुझाए बगैर पाकिस्तान अपना आलमी दुनिया में अपना मकाम हासिल नहीं कर सकेगा। अगर ये कहा जाए कि खोया मकाम, तो ये गलत नहीं है बिल्कुल। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि जब गैरों से डॉलर लेंगे तो उनके अहकाम भी मानने पड़ेंगे, खुद मुख्तारी के लिए अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। उन्होंने वाजे किया कि खैरात पर पलने वाले आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदानों ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए बगैर वक्त जाए किए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने वसाइल पैदा करने होंगे, हमें अपने अजहान और अपनी काबिलियत और मेहनत के ऊपर हमें एतमाद करना होगा, और हमें ये झोली फैलाने की जो हमारी 63 साल से जो एक आदत पड़ गई है, इसका खात्मा करना होगा। वजीर अला पंजाब ने इस मौका पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान भी किया।